हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं जाने वाला आउटडोर के लिए फर्स्ट टाइम साइकिलिंग करने, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा आगे आगे, आप बस व्लॉग पूरा देखिएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। फ्रेंड्स, जब भी आप आउटडोर साइकिलिंग करने के लिए जाएं, हमेशा अपनी साइकिल को चेक कर लें कि वो अप टू डेट है कि नहीं, खास तौर पे उसके टायर्स और ब्रेक्स। अच्छी रनिंग के लिए अपनी साइकिल को मेंटेन रखें। हम जिस बीच पे जा रहे हैं वहाँ बहुत लंबे ट्रैक्स हैं। ऐसी जगह पर साइकिलिंग करने के लिए आपकी साइकिल बहुत मजबूत होनी चाहिए ताकि वो आपको कहीं धोखा ना दे दे। जमजम की साइकिल को भी मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया, और इसलिए भी कि वो छोटी है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी साइकिलिंग का शौक है और आपके पास कौन सी साइकिल है, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। चले जी, जाने का वक्त आ गया है, आ जाए मेरे साथ। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे इस विले में एक छोटा सा हमारा भाई आया है जिसका नाम है अब्दुल्ला फ्रॉम पाकिस्तान। अब्दुल्ला, आओ मेरे पास। अब्दुल्ला बहुत ही डिसेंट और प्यारा बच्चा है, उसको हमारे साथ खेलना बहुत पसंद है। वो भी साइकिलिंग करने आया है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं जाएगा क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। आपके घर में भी अगर इतने छोटे बच्चे हैं, उन्हें कभी भी मेन रोड पे साइकिलिंग करने के लिए ना लेके जाएं। टट्टू की आवाज आ रही है। टट्टू की आवाज आ रही है। क्यूट। फ्रेंड्स, ये है अजमान बीच का साइकिलिंग ट्रैक। हाय गाइस, मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गया हूं। आप देख सकते हैं यहां और भी बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं। तो ये ट्रैक बनाया गया है साइकिलिंग के लिए, तो हमारे पापा हमें यहां पे ले आए। और यहां पे है बीच। मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और बहुत ज्यादा रश भी नहीं था। हमने लंबे ट्रैक पे बहुत ज्यादा साइकिलिंग की। अजमान बीच पर फैसिलिटीज के साथ सिक्योरिटी भी बहुत जबरदस्त है। यहाँ बच्चे, बड़े, बूढ़े और खास तौर पर लेडीज बहुत इंजॉय करती हैं। लो जी, जमजम का आ गया बलून वाला। वैसे ही बलून वाली है। जमजम ने जिद की तो पापा ने उसे मना कर दिया, लेकिन मैंने पापा से रिक्वेस्ट की और उसे उसकी पसंद का बलून हेलो किटी लेके दिया। ये लो जमजम, ये है आपका बलून। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे ये बलून बेचने वाली लेडी घाना से आई हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, तो उन्होंने बताया मेहनत मजदूरी करने। दिन के वक्त ये कहीं जॉब करती हैं और शाम को बीच पे बलून्स बेचती हैं। तो मैंने सोचा कि वो इतनी मेहनत कर रही हैं, तो मैं भी उनका फायदा कर दूं। तो मैंने भी मिनियन वाला बैलून उनसे ले लिया। ये लोग अपने मुल्क, अपना घर, अपने बच्चे सब छोड़कर यहाँ पैसे कमाने आते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर उनकी जरूरतें उन्हें मजबूर करती हैं। अगर राह चलते किसी की ऐसे मदद कर दी जाए तो क्या ये अच्छी बात नहीं? लो जी, मिल गया मुझे मेरा मिनियन। तो मैंने सोचा मुझे साथ लेके चलना, तुमने भी यही बोला। मैंने अपने पापा के साथ कुछ ब्यूटीफुल वीडियोस बनाई। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। Love you all. Bye-bye.